नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आज हम चर्चा करेंगे निकुम्बला देवी के बारे में। रामायण का कहानी सब लोगों को पता है। ये जो निकुम्बला देवी है, ये रावण का कुल देवी था। इंद्रजीत इनका साधना करके, इनका स्पेशल कुछ पूजा करके इतना ज्यादा शक्तिशाली बन गया था कि पूरा विश्व ब्रह्मांड में कोई उसे हरा नहीं सकता था। तीनों लोगों का विजेता बन चुका था। और रावण भी कितना ज्यादा ज्ञानी था, कितना ज्यादा शक्तिशाली था, ये सब को पता है। रावण का एक गलती था, दूसरे का बीवी की तरफ नजर दिया था, इसलिए उसे सब कुछ खोना पड़ा। और भगवान श्री विष्णु के साथ उसका डायरेक्ट लड़ाई हुआ था राम अवतार में, इसलिए वो हार चुका था। नहीं तो वो इतना ज्यादा पराक्रमी था। अभी इधर आज से कम 10,000 साल पहले उनका जन्म हुआ था। अभी भी लोग उनके बारे में चर्चा करते थे, निकुम्बला देवी के बारे में, इंद्रजीत के बारे में, रावण के बारे में। इससे पता लगता है कि इंद्रजीत इतना ज्यादा शक्तिशाली क्यों था, क्योंकि उन्होंने निकुम्बला देवी का साधना करता था, पूजा करता था। निकुम्बला देवी जो है, ये इनका भक्तों को कभी विजय का, हर समय विजय कराती है, कभी भी पराजय का सामना नहीं करना पड़ता है। चाहे आपके सामने एगेंस्ट में कितना भी शक्तिशाली, कितना भी पावरफुल दुश्मन है, फिर भी निकुम्बला देवी जीत दिलाता ही है। ये इनका भक्तों के लिए उतना ज्यादा शक्ति क्या प्रदान करती है कि उसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता है। लेकिन शक्ति का एक रूप होता है, शक्ति जब आपके पास आता है तो आपका मन पास चैतन्य नहीं रहता है। शक्ति जब आपके पास आता है तब आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। जब आप मान लीजिए, जब आपके पास एक बंदूक है आपके सामने, सब जब आप बंदूक लेके घूमते हो, पूरा दुनिया का लोग आपको थोड़ा रिस्पेक्ट के नजर से देखते हैं, आपसे डरते हैं, आपसे भिड़ने के बारे में नहीं सोचता है जब आप बंदूक लेके घूमते हो। लेकिन जब भी आप उस बंदूक को किसी के ऊपर चला देते हो, तब पूरा पुलिस प्रशासन, पूरा देश का लोग आपका एगेंस्ट में चला जाता है, आपको उसका दंड भुगतना पड़ता है। इसलिए निकुम्बला देवी का साधना करके आप बड़े से बड़ा शत्रु को आप एक ही झटके में विनाश कर सकते हो, एक ही झटके में उसे खत्म कर सकते हो। लेकिन जब भी आप उनका, उन दैवी शक्ति का प्रयोग करोगे अपना जीवन में, किसी का दुश्मन के ऊपर, किसके ऊपर आप गुस्सा होगे, उसके ऊपर प्रयोग करते हो ना, तब पूरा प्रकृति सृष्टि आपका विचार करना शुरू कर देती है, आपको खत्म कर देती है। इसलिए ये निकुम्बला जो मंत्र है, इनका प्रयोग करके आप किसी दुश्मन के ऊपर ना करें, आपके ऊपर कोई गुस्सा है ना करें। अगर आप चाहते हैं इन मंत्रों का प्रयोग करते हैं, आपका परिवार का सुरक्षा के लिए, आपका सुरक्षा के लिए, आपका धन संपत्ति का सुरक्षा के लिए, आपका मान सम्मान का सुरक्षा के लिए आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन किसी आपके गुस्से के वजह से आप किसी दुश्मन के ऊपर अगर इसको प्रयोग करते हैं, तो एक चीज आपका प्रकृति आपका तुरंत विचार करती है, आपका शत्रु का विनाश हो जाएगा, लेकिन प्रकृति आपको नहीं छोड़ेगी। इनका मंत्रों का बहुत सारा प्रयोग है, संसार में कुछ प्रयोग होता है जिसे एक ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। इसका एक मंत्र प्रयोग करने से आपका जितना भी शत्रु है, जितना भी पावरफुल शत्रु है, एक ही झटके में विनाश हो जाता है। अगर आपके ऊपर तमसो बाधा हो रहा है, ब्लैक मैजिक हो रहा है, एक साथ बहुत सारा लोग आपका एगेंस्ट में तमसो बाधा कर रहे हैं, आपको हानि पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं, और आप उस समय में निकुम्बला देवी का प्रयोग करते हो, तो एक अचूक मानी जाती है, आपको जीत दिलाता ही है, आपका जितना भी शत्रु है उसका विनाश हो ही जाएगा। लेकिन वो वाला जो प्रोसेस है, वो वाला जो संसार में जो प्रोसेस है जिससे आप शत्रु को विनाश कर सकते, ये वाला चीज हम नहीं बताएंगे। हम और एक चीज बताएंगे, आप इसे बोलते हैं दिव्य भावे साधना, मतलब आप उसका साधना करके आप अपना जीवन को सुरक्षित कर सकते, आपका परिवार को सुरक्षित कर सकते, आपको परिवार को रोग मुक्त कर सकते हैं। तरह तरह के आपका जो शत्रु आपका क्षति करने की कोशिश करते हैं, उससे आप खुद को बचा सकते, परिवार को सुरक्षा कर सकते, अपना रिलेशनशिप को बचा सकते। लेकिन शत्रु का ऊपर, किसी के ऊपर गुस्सा होकर इन मंत्रों का प्रयोग करने की कोशिश ना करें। अगर करते हैं तो इसके जिम्मेवार आप होंगे, और जितना भी लॉस होगा उसका जिम्मेवार आप खुद होगा, जितना भी दर्द होगा। और
ये जो इनका शक्ति मिसाइल के जैसा है, अगर मान लीजिए एक बार मिसाइल को छोड़ देते हैं ना, वो उनका टारगेट में जाके पहुंचता है और उसे विनाश करके ही रखता है। हाँ, अभी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया तो जो मिसाइल आप छोड़ते हैं उसको आप बीच रास्ते में नष्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी सेम लेवल का पावर का जरूरत होता है। अगर आप निकुंभ मिला शक्ति देवी का शक्ति लेके आप किसी के ऊपर खुदी करने का कोशिश करते, आपका शत्रु को विनाश करने की कोशिश करते, उसे भी रोका जा सकता है, लेकिन उस आपसे बड़ा पावरफुल होना चाहिए, साधक होना चाहिए, तब कर सकते हैं। लेकिन इसका ले आपको जीवन में बहुत सारा लॉस होता है, आपका जीवन नष्ट भी हो सकता है। इसलिए इनका मंत्रों का प्रयोग किसी शत्रु का नाम ना लेके करें, सिर्फ अपना जीवन में सुरक्षित रहने के लिए, अपना आपको बचाने के लिए, अपना परिवार का सुख समृद्धि के लिए, आपका बिजनेस में लाभ करने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन शत्रुओं को अपन ना करें। एक बार बार मैं बता रहा हूँ, अगर फिर भी करते हैं तो इसका जिम्मेवार आप खुद होंगे। तो आइए जानते हैं इनका साधना, विभो भाव साधना। इन साधना में आपको तांत्रिक प्रोसेस का उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, आप सिर्फ उनका देवी का नाम लेते हैं, उनका मंत्रों का जप करते हैं, तो उससे आपका जीवन में जितना परेशानी है उसका नष्ट हो जाता है। तो कैसे करना है, आप अपना घर में कोई शांत घर में बैठ जाए, ढीले ढाला कपड़ा पहन के, अगर ब्लैक कलर का कपड़ा होगा तो अच्छा है। आपका पूजा घर में भी बैठ सकते हैं, घर का मंदिर में भी बैठ सकते हैं। बैठ के आपको एक विशेष तरह का मुद्रा बनाना है, ये जो ऐसा है इसको ऐसे पकड़ना है, पकड़ के ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके नीचे लेना है, ठीक है। और एक बात दिखाता हूँ, इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे। अगर आप किसी माला से आप जप करना चाहते हैं तो आपको एक हाथ में माला, ये राइट हैंड में माला लेना पड़ेगा और इसको ऐसे करके मुद्रा करके नीचे ला के आपको इन मंत्रों का जप करना पड़ेगा। इनका जप करने से पहले आपको थोड़ा सा प्राणायाम कर लेना चाहिए, साधारण सा, जैसे आपका शरीर थोड़ा सूत हो जाए, आपका मन थोड़ा शांत हो जाए। तो प्राणायाम कैसे करें, एक नाक से सांस ले, जितना देर हो सके सांस को रोके और दूसरे नाक से धीरे से छोड़े। डेमो दिखाता हूं, ऐसे करके 10 बार साधारण प्राणायाम करें। अब अपना आज्ञा चक्र यानी दोनों आंखों के बीच ये जो पोजीशन है इसे आज्ञा चक्र कहते हैं, यहाँ पे ध्यान करते, यहाँ पे थोड़ा सा पिंच करें। पिंच करने का मतलब है, अगर थोड़ा सा पिंच करते हैं ना तब आपका मन का, मन में जितना भी जो भी चीज है पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे चला जाता है। एक कहानी सुनाता हूँ, रामकृष्ण परमहंस देव जब साधना कर रहा था तोतापुरी के महाराज के पास, तो उनका जब उनको बोला गया था कि निर्विकल्प साधना करना है, निर्विकल्प मन से जितना भी देव देवी है, जितना भी थॉट्स है उसे निकल देना है, लेकिन उनका ध्यान नहीं आ रहा था, उनका बार बार उनके सामने माँ काली का तस्वीर आ रहा था, तो वो थोड़ा परेशान हो गए थे और तुलतापुरी को गुस्सा आ गया और बोले तुम नहीं कर पाओगे, बोल के कांच का टुकड़ा लेके उनका फूलू का यहाँ पे पिंच कर दिया, गुस्सा दिया, तो उससे थोड़ा सा खून निकला था और ये ऐसा हुआ था, उसका रिजल्ट हुआ था, तो उनका जो कॉन्सेंट्रेशन था रामकृष्ण परमहंस देव का पूरा उस जगह पे चला गया था। तो उस जगह से उन्होंने ध्यान करते हुए और निर्विकल्प समाधि जो निर्विकल्प है उस थॉट में पहुंच गए थे, उस लेवल पे पहुंच गए थे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा पिंच करें, यहाँ पे पिंच कर जब भी आप करते आपका मन पूरी तरीके से यहाँ पे चला जाता है। अगर मान लीजिए बैठे हुए आपको थोड़ा सा चींटी काट लिया या फिर थोड़ा सा कई जगह से आपको थोड़ा दर्द हुआ, तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है पूरा बॉडी का, पूरा माइंड का कॉन्सेंट्रेशन उसी जगह पे चला जाए। तो इसीलिए यहाँ पे पिंच करना है, पिंच करके ऐसे करके मुद्रा बना के आपको निकुंभ मिला मंत्र करना है। मंत्र जो है ओम ह्रीम निकुंभ मिले सर्वशत्रु स्तंभाय बाधाय बाधाय फट, ओम स्त्रीम ओम ह्रीम निकुंभ मिले सर्वशत्रु स्तंभाय बाधाय बाधाय फट, ओम ह्रीम निकुंभ मिले सर्वशत्रु स्तंभाय बाधाय बाधाय फट, ओम ह्रीम निकुंभ मिले सर्वशत्रु स्तंभाय बाधाय बाधाय फट। ऐसे करके इनका मंत्रों का 21 दिन आपको जॉब करना है 11 माला करके। आप माला लेना चाहते हैं तो मुंडो माला से आप कर सकते हैं, काले हाकिम के माला से कर सकते हैं,
21 दिन आपको ये साधना करना है। साधना करने का सबसे ज़्यादा अच्छा समय है रात को 11 बजे से लेके सुबह के 4 बजे के अंदर। ये समय आप जब करते हैं आपका साधना में बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। ये साधना आप किसी भी मंगलवार से या फिर अमावस्या से ग्रहण से शुरू कर सकते हैं। 21 दिन साधना करने के बाद 22 नंबर दिन पे कोई मंदिर पे जाके कुछ दान करके आए, किसी को जरूरतमंद को फल या भोजन करना करके आए। ये साधना के लिए और एक चीज़ है, ये साधना जब आप करने की कोशिश करते आप एक दूसरा लेवल का ऊर्जा दूसरा लेवल का पावर की को आप छूने की कोशिश करते। तब जब भी आप करते तब प्रकृति आपको ये मौका नहीं देगा, आपको तरह तरह के प्रॉब्लम आएगा, बहुत सारा आपको मन लगेगा कि नहीं कर पाऊंगा, आप साधना बीच में से ही छोड़ के जाने का मन करेगा। ये हर एक का साधन होता है, इसलिए इनका साधना में ज़्यादा लोग सिद्ध नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप मन में थोड़ा दिलो संकल्प बनाए, उसके बाद ही साधना करें, साधना का बीच में ना छोड़े। अगर साधना का बीच में छोड़ते हैं तो आपका तो लाभ नहीं मिलेगा, आपका जो भी प्रॉब्लम लाइफ में था वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए बीच में साधना ना छोड़े। ऐसे करके 21 दिन साधना करने के बाद 22 नंबर दिन आप साधना छोड़ सकते हैं। इनका साधना 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकते हैं। स्वामी स्त्री एक साथ साधना करने से लाभ ज्यादा मिलता है। ये साधना करने के समय आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, धूम्रपान मद्यपान ना करें, महिलाओं को सम्मान दें पुरुषों के लिए, और पुरुषों के लिए महिलाओं के लिए बोलता हूँ कि पुरुषों का सम्मान दें, आपका पति या आपका बॉयफ्रेंड हस्बैंड जो भी है उनके साथ लड़ाई ना करें, इनको ना तकलीफ ना दें, इनको ज़्यादा मारपीट ना करें। तो अगर ऐसा करते हैं तो आपको इस साधना में लाभ नहीं मिलेगा, इसे दिव्य भावे साधना कहते हैं। आशा करते हो ऐसा करके साधना करके आपका मन में जितना भी क्लेश है जितना भी दर्द है उस दर्द से आप छुटकारा पाए। और एक चीज, इनका साधना करने के समय किसी आपका दुश्मन के ऊपर ये मंत्रों का प्रयोग ना करें। अगर प्रयोग करते हैं इसका लिए आपको जितना भी लॉस होगा उसका जिम्मेवार खुद होंगे और आपको कोई उस समय कोई आपको रक्षा नहीं कर पाएगा। इसलिए ध्यान से इनका साधना करने के समय ये चीज़ का ध्यान करें। और इनका मंत्रों का सिर्फ आपका ध्यान में ही करना है। इनका मंत्र का जब अगर शमशान में करते हैं आप साधक बन के, तो इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम है, उसका कुछ अलग तरीके का नियम है। यहाँ पे जो जैसे नियम बताया दीपों का साधना वहाँ पे असर नहीं चलेगा, उसका दूसरा लेवल पे होगा, तो वो चीज़ खोलने की कोशिश ना करें। धन्यवाद।